सॉल्यूशन सीरीज फॉर सीएसआईआर नेट जून 2021. दिस इज क्वेश्चन 37 फ्रॉम पार्ट बी. क्वेश्चन है, लेट से एस आपको एक सेट दिया गया है, फिर आपको बताना है कि एस कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे 1 से 999 के बीच में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो क्या है, 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए एंड 37 से भी डिविजिबल, या तो 3 से डिविजिबल हो या फिर 37 से डिविजिबल हो. और एस कॉम्प्लीमेंट क्या डिनोट कर रहे हैं, 1 से 999 के बीच में वो एलिमेंट्स जो एस में प्रेजेंट नहीं है. ओके, इट मीन्स दैट 3 से भी डिविजिबल नहीं है एंड 37 से भी डिविजिबल नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ एस बताएंगे कितनी होगी. तो एस की कार्डिनलिटी पता है तो एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी आ जाएगी. क्योंकि टोटल आपके एलिमेंट्स आप कहाँ से ले रहे हो, 1 से 999 के बीच में ले रहे हो, तो टोटल एलिमेंट्स 999 है. और वो एलिमेंट्स जो एस में नहीं है उसको हम डिनोट कर रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस से. तो आपके पास यहाँ से एस कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कितने आने वाले हैं. तो एस की कार्डिनलिटी देखते हैं क्या है. एस जो आपका सेट है वो ये सेट है, एन सच दैट एन इज इन बिटवीन 1 to 999 सच दैट 3 डिवाइड्स एन और 37 डिवाइड्स एन. इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, दो सेट्स के यूनियन में अपडेट कर सकते हो. या तो 3 डिवाइड कर रहे हैं एन को, एक सेट ये लिया दूसरा सेट लिया वो एलिमेंट्स सच दैट 37 डिवाइड कर रहे हैं एन को. तो इस सेट को मैंने यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखा. वो सेट्स कौन से हैं, फर्स्ट इज एन इज इन बिटवीन 1 to 999 सच दैट 3 जो है वो डिवाइड कर रहे हैं एन को, यूनियन एन सच दैट एन इज इन बिटवीन 1 to 999 सच दैट 37 डिवाइड कर रहे हैं एन को. ओके, लेट से इस सेट तो नाम दिया ए, इस सेट तो नाम दिया बी. तो आपको कार्डिनलिटी ऑफ दिस देखनी है, इट मीन्स दैट कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट देखनी है. ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो 1 by 1 ए टी कार्डिनलिटी, बी टी कार्डिनलिटी एंड ए इंटरसेक्शन बी टी कार्डिनलिटी देखते हैं कितने आएगी. ए सेट जो है 1 से 999 के बीच में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं सच दैट 3 डिवाइड कर एन जो है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 डिवाइड करना चाहिए एन को. तो सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 के मल्टीपल्स हम ले रहे हैं तो छोटा सबसे क्या आ जाएगा, 3 into 1 दैट इज 3. देन सेकेंड इज 3 into 2 अप टू आप कब जाओगे 999, 3 से डिविजिबल है तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ 3 into 3 33. तो आपके पास ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं ए के. टोटल एलिमेंट्स हमें कितने मिले, 1 से हम 333 तक मूव कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी आ रही है, 333. देन सेम चीज़ आपने बी के लिए देखा, 37 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर. तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 37 दैट इज 37 into 1. दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 37 into 2. अप टू आप देख सकते हो 999 जो है वो 37 से डिविजिबल है और डिविजिबल करने के बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहा है. तो लास्ट नंबर आपका होगा 37 into 27. ओके, तो ये 37 एन की फॉर्म में एन को वेरी कर सकते हैं 1 से 2 27 के बीच में. इट मीन्स दैट इस सेट की कार्डिनलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 27. ओके, देन ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी देखते हैं. ए इंटरसेक्शन बी डिनोट क्या कर रहा है, कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 37 से भी डिविजिबल होना चाहिए. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन सच दैट एन इज इन बिटवीन 1 to 999 सच दैट 3 डिवाइड कर रहे हैं एन को एंड 37 भी डिवाइड कर रहे हैं एन को. अब आपको पता है अगर एक नंबर ए डिवाइड कर रहे हैं एन को, बी डिवाइड कर रहे हैं एन को, तो इनका जो एलसीएम है वो भी डिवाइड करते हैं एन को. एंड जब एलसीएम डिवाइड करते हैं एन को तो ए डिवाइड करते हैं एन को एंड बी डिवाइड करते हैं एन को. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है. तो इस सेट की जगह मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, एन सच दैट एन इज इन बिटवीन 1 to 999 सच दैट एलसीएम ऑफ 3, 37 डिवाइड्स एन. 3, 37 जीसीडी इनका 1/8 मीन्स दैट एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 into 3 37 हो जाएगा जो क्या आएगा, 3 into 7 21 देन 3 into 3 9 9 plus 2 11. तो 1 1 1 जो है वो डिवाइड करना चाहिए एन को. ओके, अब आप देख सकते हो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे क्या आया, 1 1 1 दैट इज 1 1 1 into 1. देन आगे आप यहाँ तक मूव कर सकते हो,
999 आप देख पा रहे हो कि क्या है, 111 से डिविजिबल है, डिविजिबल करने के बाद डिवाइड करने के बाद आपके पास 9 आ रहा है, सो इट विल बी 111 × 9। तो यहाँ से पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी है वो आपके पास कितनी आ रही है, 9 आ रही है। सो ए की कार्डिनलिटी हुई 333, बी की हुई 27, सी की हुई 9। तो इसको सॉल्व करते क्या आया, 27 - 9 = 18, देन ऐड किया 8 3 11, 3 1 4 5 351। ओके, तो एस की कार्डिनलिटी 351 है, इट मीन्स दैट एस कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 999 - 351। सॉल्व किया, 9 - 1 = 8, 9 - 5 = 4, 9 - 3 = 6। तो 648 एलिमेंट्स है जो एस कॉम्प्लीमेंट में है। तो ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, गलत है। ओके।